लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पेहवा पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोगों की दी गई ताकत की वजह से वे सत्ता में हैं, वहीं ग्रामीणों द्वारा दिए गए मांग पत्र पर सहानुभूति देते हुए कहा कि वे इस पर जरूर विचार करेंगे। अजय चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी और किसान आंदोलन की वजह से सरकार अपने जो कार्य नहीं कर पाई वो कोर कसर दूर करेंगे। मिशन 2024 चुनाव को लेकर अब हर बूथ पर बूथ योद्धा, बूथ सखी मजबूत टीम बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मनमुटाव दूर करके संगठित रहकर सभी काम करें। जनता से अपील करते हुए कहा कि चाबी बटन दबाएं, जजप्पा को मजबूत बनाएं। किसान आंदोलन के दौरान एलेनाबाद में अभय सिंह चौटाला द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने की बात पर उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने इस्तीफा देकर क्या कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जजप्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर वे लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और यह लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव जीत का दावा ठोका और कहा कि 10 लोकसभा सीट गठबंधन में लड़कर जीत हासिल करेंगे। इंडिया गठबंधन से लगातार राजनीतिक दल से अलग होने पर अजय बोले कि कभी इस गठबंधन से नीतीश छोड़ रहे हैं, कभी ममता छोड़कर पार्टी से किनारा कर रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर कानूनी इजाजत उन्हें मिलती है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान है जो पूरे प्रदेश में हमने छेड़ा हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा। तो पार्टी किन गांव में निकले हैं? बिल्कुल गांव-गांव में, शहर में सब जगह जा रहे हैं। किन सीटों पर? 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? मिलकर के 10 की 10 लड़ेंगे भैया और 10 की 10 जीतेंगे। सर, क्या इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले लड़ूंगी, भगवंत मान कह रहे हैं अकेले लड़ूंगी। इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले भी गठबंधन था, वो टूट रहा है आपस में। इस तरीके से निरंतर कहीं नीतीश छोड़ रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी छोड़ रही हैं, कहीं आप हम पार्टी के लोग कर रहे हैं। चौटाला साहब, आप लड़ेंगे चुनाव महेंद्रगढ़ भिवानी से? अगर कानूनी इजाजत मिली तो जरूर लड़ूंगा। दिग्विजय जी ने पैरवी किया है कि लड़ेंगे आप चुनाव? मैं कह रहा हूँ ना, कानूनी इजाजत मिली तो जरूर लड़ूंगा। थैंक यू। उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना ये मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि हर बूथ में एक बूथ योद्धा, और आजकल माताओं बहनों की 50% भागीदारी है, इसलिए हर बूथ में बूथ सखी और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए तो वो मजबूत टीम आपके पक्ष में मतदान करवा करके पार्टी को ताकत देने का काम कर सके। और ये संभव तभी हो पाएगा जब हम आपसी छोटे मोटे मन मुटाव के लिए शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जब समय आए तो उस चाबी वाला बटन दबाने का काम करेंगे। आप उस चाबी के बटन को दबाओगे तो विकास के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। काम की और रविदास मंदिर की भी की है। मैं ठोक करके दावे से आपके साथ में कह सकता हूँ कि इन समस्याओं से हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से रही, चाहे कोई हमारी कमी की वजह से रही, ना केवल उसका समाधान करवाएंगे बल्कि सवाया करके आपको देने का काम भी से उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने, ना हमारा कोई सांसद था ना केंद्र की सरकार में भागीदारी, परंतु उसके बावजूद जगह जगह जो किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे वो ये भी बात करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि
कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों को मुझसे दे जाए और अपना समाधान करवा ले। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था, इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल कर पाएगा? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो जो भी कोई छोटे मोटे काम आप लोग हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं, हम सरकारी अधिकारियों से लेकर के उनका समाधान आपके बीच में करवाने का काम करते हैं। राग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाल आई, एक उम्मीद जगी है कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था और जो हम करना चाहते थे उस अरसे में हम नहीं कर पाते। उसके कारण रहे, एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, 20% के साझेदार सरकार में, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक ही चलता रहा। बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उसका समाधान भी नहीं हो पाता। आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ है, मैं इसके लिए आभारी हूं। हमारी स्थानीय यूनिट का और आज के इस आयोजन के आयोजककर्ता अजय और विक्रम जी का, जिन्होंने आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसा आपको बताया कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव भी होने हैं, और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी ये निर्णय किया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, और सरकार के स्तर पर होने वाले समाधान करने का काम करेंगे। आज से 6 वर्ष पूर्व आप लोगों ने जींद की पांडु पिंडारा की धरती पर जन नायक जनता पार्टी का गठन किया, एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसी की बदौलत उसने विपरीत परिस्थितियों में 9 महीने में ना केवल अपना नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3-3 चुनाव झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी हरियाणा प्रदेश के असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था, उसी की बदौलत जहां 17.5% वोट आपने पार्टी को दिए, वही 10 विधायक चुन करके भी हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम। लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष